देश की पहली रंगीन और टेक्निकलर फिल्म थी नादिरा और दिलीप कुमार की आन। 1950 में शूट हुई थी फिल्म आन, तब ये तस्वीर खींची गई थी। इसमें दिलीप कुमार और नादिरा नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के जरिए नादिरा ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग मध्य प्रदेश के इंदौर और बुधनी में हुई थी। आन देश की पहली रंगीन और टेक्निकलर फिल्म थी। टेक्निकलर उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें एक ही सीन को कुछ फिल्मों या स्ट्रिप्स को एक दूसरे पर लगाकर रंगीन फिल्म तैयार की जाती है। इस फिल्म का बजट 35 लाख रुपए का था। यह उस वक्त की इंडिया में बनी सबसे महंगी फिल्म थी। इस फिल्म ने 3,57,00,000 रुपए की कमाई की थी। यह भारत की ऐसी फिल्म थी जिसे 28 देशों में 17 भाषाओं में रिलीज किया गया था। लंदन में इसका आलीशान प्रीमियर रखा गया था जिसमें पूरी कास्ट शामिल हुई थी। फिल्म को अंग्रेजी भाषा में सैवेज प्रिंसेस के नाम से रिलीज किया गया था। यही नहीं, 1954 में आन को फ्रांसीसी भाषा में भी रिलीज किया गया था। उसी साल यह फिल्म जापान में भी रिलीज हुई थी। जापान में रिलीज होने वाली यह पहली भारतीय फिल्म थी।